नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी, भारत 18 न्यूज से। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आपको बताते चलें कि विगत सप्ताह छात्रा के अपहरण होने की सूचना पुलिस में दी गई। पुलिस के ढीले रवैये के कारण लगभग 3 दिन बाद उसका शव कुएं से मिला। परिजनों ने पुलिस व पूर्व प्रधान पर मिलकर साजिशन हत्या का आरोप लगाया एवं पुलिस पर उस अपराधी को बचाने की भी बात कही। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सर, मुझे 6 तारीख को शाम को मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा जानकारी मिलती है कि तुम्हारे रिश्तेदारी में शिवानी नाम की लड़की का अपहरण हो गया है और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उसमें 4 लड़के पकड़े गए, जैसा कि मेरे ये मौसा के लड़के हैं। मैंने इनसे पूछा क्या हुआ है मैटर, तो बोले कि चौकी में 4 लड़के पकड़ के लाए गए हैं। वो चारों कबूल रहे हैं कि हमारा संबंध रहा इस लड़की से और वो मतलब किसी के सह पर बहुत ज़ोर ज़ोर से इन लोगों को बदतमीजी भी करी गई। इनको चौकी इंचार्ज ने भी बच्चलन बेशक इस तरह का धंधा वाली कह करके इनको डांट झपटा के भगा दिया। इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। 7 तारीख को सुबह हम आते हैं और हम यहाँ पर थाना जाते हैं। थाने में एक पहले हम रिपोर्ट देते हैं, तो नामजद हमने 366 के तहत अपहरण के तहत हमने उनका मुकदमा लिखाया है। 1 घंटे बाद लड़की की लाश कुएं में बरामद होती है, जिससे शंका जताई गई कि इन लोगों ने जो चौकी में घटना हुई उन लोगों अपने जान बचाने के लिए उस लड़की को मार के वहाँ पर फेंक दिया। आपको क्या लगता है क्या लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा? बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, चूँकि आँखें बाहर निकली हुई हैं, जीभ बाहर निकली हुई, पानी में मरने से ऐसी कोई मौत मैंने आज तक देखी नहीं। दूसरी बात, जिस समय लड़की कुएं से बाहर निकाली गई, हम लोग मौके पर थे, थाना कि काफ़ी सिपाही भी थे, बहुत लोग आए हुए थे, गांव के जनता जनार्दन भी थी। उसके प्राइवेट पार्ट के पास से बहुत ढेर सारा खून ब्लड निकला हुआ है, आज भी वो कुएं पे वो धब्बे लगे हुए हैं। आप पीड़ित परिवार को किसी तरीके से धमकी देने का कोई आरोप? देखिए सर, जब से मुझको ये जानकारी लगी, हमको भी हमारी भतीजी लगती है, तो हमको दर्द बहुत हुआ। हमने कहा ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे पिस जाएंगे, इनको ही फंसा देंगे ये लोग, तो मैंने हमारे पीछे नज़र रखी जाती है, हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, एक दूसरे से सूचना करके बताया जाता है। थाना इंचार्ज ने जो बदतमीजी करी है वो बहुत घृणा करी है। हमने 366 का मुकदमा लिखाया था, उन्होंने एक फर्जी मुकदमा लिख करके 12 तारीख को कि अंशु गुप्ता, पंकज और शिवम ये आपस में विमल से लड़े हैं 12 तारीख को, और उसके तहत उन लड़कों को 151 चलान करके छोड़ दिया गया। जबकि विमल मेरे साथ उस दिन कानपुर में था, मैं इनको कहीं नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि इनको जान और इनके परिवार को जान माल का खतरा था। इस तरह का बिहेव जो थाना प्रभारी जयचंद जी ने किया है, ये मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं। ये फर्जी रिपोर्ट लिखकर उन लड़कों को छोड़ा दिया है। उन लड़कों के हौसले इतने बुलंद है कि आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी की बेटी के साथ हो सकता है। पूरे शाम दंड भेद लगाए हुए हैं कि किसी तरह से ये खुलासा ना किया जाए। यहाँ तक जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ है, उस दिन चौकी इंचार्ज मलखान सिंह उसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर घुसे रहे हैं। हमको पूरा यकीन है कि हमारी रिपोर्ट भी बदलाई गई, नहीं तो वो फर्श में जो खून इतना पड़ा हुआ उसकी क्यों रिपोर्ट नहीं आई है। हमको ये जो कानून है, जो सिपाही ये चौकी इंचार्ज हैं और जो SO हैं, इनसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं, हमारी विवेचना भी बदलाई जाए, नहीं तो पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सारा प्रकरण हुआ? मैं कह सकता हूँ पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये बेटी की हत्या हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बेटी को पुलिस वाले ढूंढते, आज तक कोई पुलिस वाला हमारे गांव में ढूंढने के नाम पर नहीं आया।